नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में राजद पार्टी इस वक्त विपक्ष की भूमिका में है। राजद को सत्ता से बाहर हुए एक लंबा समय गुजर चुका है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी के बावजूद उनके बेटे तेजस्वी यादव ने बिहार की सत्ता में वापस आने के लिए जबरदस्त मेहनत किया। इस दौरान उन्होंने ताबड़तोड़ कई रैलियां की, इसके जरिए वन मैन आर्मी नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। राजद के कद्दावर और मजबूत नेता की छवि के बावजूद उनसे उनकी शादी को लेकर जब सवाल किया जाता है तो इसे लगातार टालते रहते हैं। ऐसा ही एक वाक्या पिछले साल एक टीवी शो में भी देखा गया था। यहां तेजस्वी ने अपनी शादी की चर्चाओं पर बात टालते हुए लोजपा नेता चिराग पासवान की शादी का मुद्दा उठा दिया था। दरअसल इंडिया टीवी की शो आपकी अदालत के इलेक्शन एडिशन में तेजस्वी यादव को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। यहां उनसे उनके क्रिकेट कैरियर पर सवाल किए गए। इसी दौरान एंकर रजत शर्मा ने उनसे पूछा कि तेजस्वी यादव शादी करने में फेल क्यों हो गए और इतनी देरी क्यों हो रही है। रजत शर्मा के इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने शर्माते हुए जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि आप अपने आप की अदालत में रोज एड चलाओ, कौन बनेगी तेजस्वी की दुल्हनिया, और जितने प्रपोजल आए आप मेरे पास भेज देना, हम मम्मी पापा को दिखा देंगे, कहेंगे देखो मम्मी अब तो करा दो। तेजस्वी ने आगे कहा, हमारी भारतीय संस्कृति में जो समाज है यह सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं है, ये दो परिवारों के बीच की बात है। शादी कराना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। तेजस्वी ने इसी के साथ अपनी शादी की बात टालते हुए पूरा मुद्दा लोजपा नेता चिराग पासवान की ओर घुमा दिया था। तेजस्वी ने कहा था कि मेरी उम्र अभी 29 साल है जबकि चिराग पासवान की उम्र 34-35 साल है। उन्होंने आगे कहा कि वो तो बड़े भाई हैं, उनकी तो बहुत ही देर हो चुकी है, अब शायद होगी भी या नहीं, उनका करवा लीजिएगा, तुरंत हम 6 महीने के अंदर शादी कर लेंगे। हालांकि इसके बाद भी रजत शर्मा ने तेजस्वी यादव से उनकी शादी के संबंध में सवाल पूछना जारी रखा। उन्होंने आगे सवाल किया कि क्या यह सच है कि जब आप बिहार के डिप्टी सीएम थे तब आपकी शादी के लिए 44,000 लड़कियों के प्रपोजल आए थे। इस पर तेजस्वी ने कहा कि उनका ध्यान काम पर था, इन सब चीजों पर नहीं था। हालांकि तेजस्वी ने बाद में इस शो के दौरान बताया कि उनकी शादी के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो उनके पूरे परिवार को साथ लेकर चल सके। वहीं तेजस्वी यादव की मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी तेजस्वी की शादी को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की शादी होगी, उसके बाद ही तेजस्वी यादव शादी करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो राबड़ी देवी ने तेजस्वी की शादी के लिए अपना यह शर्त रख दिया है। राबड़ी देवी ने आगे कहा कि फिलहाल तेजस्वी की शादी को लेकर कोई तैयारी नहीं है और जो बड़े हैं पहले उन्हें इस दिशा में सोचना चाहिए। बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष अभी कुंवारे हैं और बिहार में उनकी शादी की चर्चा हमेशा सुर्खियों में रहती है। हालांकि अब तो उनकी मां राबड़ी देवी ने भी यह बता दिया है कि फिलहाल तेजस्वी यादव की शादी नहीं होने जा रही। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव कब शादी करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।